Hey guys, my name is Sahil Gera and welcome back to the Dynamite page. So guys, सबसे ज़्यादा पूछा हुआ question आज की videos में नहीं, हर video में मेरे को एक common question पूछा जाता है कि भाई आप trimming करते हो या shave करते हो? I am sure आपके mind में भी ये question बिल्कुल होगा and वो चीज़ आज आपको बिल्कुल clear कर देंगे. So in today's video हम तीन चीज़ें करने वाले हैं. सबसे पहली चीज़ हम करने वाले हैं body grooming, second is beard grooming and तीसरा ये जो आपको answer कर दूँगा. अब body grooming में एक चीज़ रहती है, जब अपनी balls को हम shave करने जाते हैं ना तो बहुत ही ना risky matter हो जाता है. तो उससे कैसे बचे, कौन सा grooming tool हमने use करना है जिससे कि सही तरीके से और बिल्कुल सेफली वो चीज़ हो जाए, तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर करी है दो आइटम्स. Amazon से मिली मेरे को, दोनों बहुत ही बढ़िया डील मिल गई थी. तो मैंने एक लिया है बियर ट्रिमर और एक दूसरा जो है दैट इज दी बॉडी ग्रूमर. उसके अंदर एक प्रोटेक्टर भी है जिसको लगाने के बाद आपको कोई भी डैमेज नहीं हो सकता, कोई भी रिस्क नहीं है कि कुछ कटवट लग जाए, तो इट इज कंप्लीटली फाइन. तो वो प्रोडक्ट कौन से हैं उसकी मैंने पूरी अनबॉक्सिंग करी है. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो गाइस फाइनली मेरे को Amazon से बहुत ही बढ़िया डील मिली, मतलब ऑलमोस्ट 2800 के अंदर मेरे को दोनों के दोनों ट्रिमर्स मिल गए. वन इज दी बियर ट्रिमर एंड सेकंड वन इज दी बॉडी ग्रूमर. पहले अनबॉक्सिंग करेंगे हम फिलिप्स वन ब्लेड की. सो बेसिकली दिस इज फॉर दी बियर्ड. आपको अगर ड्राई शेव करनी है, आपको वेट शेव करनी है या आपको फोम लगा के शेव करनी है, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद दिस. और मेरे को बहुत ही जबरदस्त चीज लगी, मैंने काफी खुद रिव्यूज देखे थे एंड इट वॉज द टाइम टू ट्राई इट आउट. और जब इसको मैंने अनबॉक्स किया, आई फाउंड द चार्जर और साथ में तीन इसके इक्विपमेंट से, एक था 5 नंबर का, एक था 3 नंबर का एंड एक था 1 नंबर का. अब आती है हमारे नेक्स्ट बॉक्स की, विच इज दी बॉडी ग्रूमर. सो ये फिलिप्स का सीरीज 1000 है एंड ये चीज मेरे को बेस्ट लगी कि वाटर प्रूफ है. पहले वाला जो हमारा बियर्ड ग्रूमर था उसके अंदर चार्जिंग होती थी और इस बॉडी ग्रूमर के अंदर सेल लगता है. और जब मैंने इसको अनबॉक्स किया, आई फाउंड 3 सेल्स इन इट. और साथ में इक्विपमेंट्स की अगर बात करें तो पहली चीज दैट वाज द प्रोटेक्टेंट, जिसमें आपकी स्किन पर किसी भी टाइप का डैमेज नहीं होता. और साथ में एक 3mm की कॉम मिली और एक छोटा सा क्लीनर मिला. तो गाइस अनबॉक्सिंग तो अपने कर दी, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से, विच इज द बियर्ड ट्रिमिंग. अब मैं काफी ना ज्यादा ग्रो कर रहा हूं अपनी बियर्ड को एंड मैंने अभी करी थी, अब वीडियो में आपको नहीं दिखा बिकॉज मैं ऑलरेडी वो प्रोसेस कर चुका हूं जो अभी आपको दिखने वाला है. सो बेसिकली बहुत हार्ड बियर्ड थी, तो सबसे पहले मैंने ट्रिमिंग करने के लिए यहाँ पे पहले 5 नंबर इस्तेमाल किया. तो पहले जो बेसिक ट्रिमिंग थी वो मैंने कर दी, मेरे को थोड़ी सी ज्यादा डार्क लगी तो उसके बाद मैंने 3 नंबर से करा, उससे थोड़ी सी लाइट होगी एंड मेरे को एक कंप्लीटली फाइन लगी. अब बारी आती है हमारी बियर्ड शेपिंग की. इस प्रोसेस में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा तो मैंने बिल्कुल बेयर 0 नंबर पे उसको यूज किया. तो सबसे पहली चीज जो करी इज टू ट्रिम दी साइड्स. अब यहाँ पे आप साइड्स में ध्यान से नोटिस करो, ये एक कंप्लीट सीधी लाइन बननी चाहिए. तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक बियर्ड शेपर का, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, आपने बस उसको प्लेस करना है. वो बियर्ड शेपर आपके बालों पर एक बिल्कुल बॉर्डर टाइप सेट कर देगा एंड उस बॉर्डर के बाद जितने भी बाल होंगे आप नॉर्मली उसको ट्रिम कर दो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल एंड आपकी सीधी लाइन बिल्कुल सही तरीके से बनेगी. ये चीज आपने राइट साइड पे भी करनी है. अब बारी आती है नेक शेप करने के लिए. तो यहाँ पे अगेन हम बियर्ड शेपर का यूज कर सकते हैं, वहां पे एक यू राउंडेड शेप फॉर्म बन रही है. अगर आपके पास शेपर नहीं है तो आप नॉर्मली भी उसको यूज कर सकते हो, उससे आपको ना बिल्कुल सीधी लाइन मिल जाएगी एंड जब वहां पे आप ट्रिमिंग करोगे बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत शार्पली वो एज लगेगा. नेक एरिया जब हमने ट्रिम कर लिया, अब बारी आती है हमारे मुस्टैश की. मुस्टैश के ऊपर अब देखोगे आप जो लिप्स हैं, आपके लिप्स के ऊपर एक्सेस बाल आने लगे हैं. अगेन यहाँ पे मैं बियर्ड शेपर का यूज कर रहा हूं एंड जो भी बाल मेरे लिप्स के ऊपर आ रहे हैं बियर्ड शेपर रखने के बाद, जब मैंने उसको ट्रिम किया तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसकी शेप आ गई. अब ये सब करने के बाद आपकी ओवरऑल लुक है बहुत डिफाइंड आ रही है और शेप्ड आ रही है. तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी इजी जॉब एंड इट टुक मी अराउंड 7 to 8 minutes, दैट्स इट. बट ये सब करने के बाद भी पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी कहीं ना कहीं अनटाइडी लगती है. तो क्या होता है, आपके बाल ना थोड़े थोड़े, कुछ कुछ बाल होता है जो थोड़े से लंबे होते हैं, वो खड़े खड़े लगते हैं एंड इट डजंट लुक दैट गुड. सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 से लूंगा. सेफ्टी के लिए आप इस पे छोटा नंबर मतलब 3 नंबर भी लगा लो एंड उसके बाद हल्का हल्का ना ऊपर ऊपर से करना है, मतलब जितने भी खड़े बाल होंगे वो चीज वहां से बिल्कुल ट्रिम हो जाएगी एंड जो ओवरऑल लुक निकल के आएगी ना खड़े बाल होंगे, बिल्कुल परफेक्टली डिफाइंड शेप होगी and your beard will look amazing just like this. और इसी के अंदर ही एक है, अगर आपका कोई patchy spot है उसके आसपास का area आपने थोड़ा सा लंबा रखना है जिससे कि वो आपका patchy spot cover कर दे और वो overall जो look देगा बिल्कुल full देगा beard की. अब बारी आती है हमारी body trimming करने की and body trimming में overall चीज हम करेंगे with the help of this grooming tool. अब best चीज जो इसकी लगी कि ये पानी के अंदर भी आप इसको use कर सकते हो और जब इसको आप apply करोगे, मतलब जब trim करना start करोगे, बहुत ही ज़्यादा easily करता है as compared to
टू अदर ट्रिमर्स जो मेरा एक्सपीरियंस है। एंड साथ ही साथ इस टूल के ना एक प्रोटेक्टिन भी दे रखे, मतलब हल्का सा होता है, जब आप उससे करोगे ट्रिमिंग करोगे तो आपको कोई भी कट्स के चांसेस नहीं रहेंगे, स्पेशली ऑन योर अंडरआर्म्स एंड ऑन योर बॉल्स। अब ये पूरी बॉडी ट्रिमिंग करने के लिए मेरे को 25 टू 27 मिनट्स लगे, एज कंपेयर टू अदर ट्रिमर जब मैं पहले यूज किया करता था उसमें आराम से मेरे को 45 टू 50 मिनट्स इजी लगते थे, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम लगता है अपने आर्म्स और लेग्स करने में, एंड इस टूल से मेरे को बहुत ही इजीली हो गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए मैं आर्म्स लूंगा, आर्म्स में बिल्कुल जीरो नंबर से ट्रिमिंग करूंगा, यहां मैंने प्रोटेक्टन भी नहीं लगाया। प्रोटेक्टन मैंने तभी इस्तेमाल किया जब मेरे को अंडर आर्म्स ट्रिम करनी थी, अपने बॉल्स पे ट्रिमिंग करनी थी, मैंने तभी यूज किया, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहां पे मैंने बिल्कुल जीरो नंबर से ट्रिमिंग करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग विद द नकल्स, मैंने वो पूरा पोर्शन किया अपने पूरे आर्म्स लेफ्ट एंड राइट बोथ, एंड इट टुक मी अराउंड 10 मिनट्स टू डू दैट और बहुत ही इजीली हो गया। अब बारी आती है हमारे लेग्स की। अब लेग्स में क्या है कि बहुत ही ज्यादा बाल है, मेरी टांगे बहुत ज्यादा लंबी है तभी मेरी हाइट बहुत ज्यादा है, तो मैं जब ट्रिमिंग करने बैठा तो मेजोरिटी ऑफ टाइम मेरा यही लग गया, ऑलमोस्ट 10 टू 12 मिनट्स मेरे लेग्स के अंदर ही चले गए। तो जब मैंने इसको ट्रिमिंग किया विदाउट द प्रोटेक्टेड बहुत ही इजीली हो गया, एंड जब उसका ओवरऑल रिजल्ट निकल गया इट वॉज अमेजिंग, इवन बेटर देन शेविंग। शेविंग मैंने पहले किया है एंड कंपेरेटिवली मेरे को ट्रिमिंग ज्यादा बेटर लगती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिफरेंस क्या है शेविंग और ट्रिमर के अंदर, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, बट अब बारी आती है हमारे अंडर आर्म एरिया का। अंडर आर्म एरिया क्या होता है, थोड़ा सा ना ज्यादा सेंसिटिव होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा खतरा रहता है, तो यहां पे मैं यूज करूंगा प्रोटेक्टेंट का। जब मैंने प्रोटेक्टेंट लगाया उसके ऊपर ना कुछ एक लेवल बढ़ जाता है जिससे कि ना स्किन उसके बिल्कुल ट्रिमर के कॉन्टैक्ट में नहीं आती। तो स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे पाउडर यूज किया, पाउडर से क्या होगा जितना भी मॉइस्चर होगा वो बिल्कुल सूख जाएगा, एंड देन जब उसके बाद ट्रिमिंग करी बहुत ही ज्यादा इजीली निकल गया एंड ट्रिमिंग बढ़िया लेवल की होगी जैसे कि आप देख सकते हो। अब बारी आती है हमारी चेस्ट ट्रिमिंग की, तो यहाँ पे भी मैंने विदाउट प्रोटेक्टेंट यूज किया, बट जो हमारा निपुलर एरिया जहाँ पे निपल्स वगैरह वहां पे आपने प्रोटेक्टेंट जरूर अप्लाई करना, बिकॉज हो सकता है कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ सकते हैं कि वो चीज रिस्की हो, तो उसको बचने के लिए पहले ही आप प्रोटेक्टेंट का यूज कर लो ओनली ऑन निपुलर एरियाज, बाकी एरिया में बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बारी, विच आर दी बॉल्स। अब गाइज बॉल्स होती है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, एंड वहां पे अगर आप शेव कर दो या नॉर्मल ट्रिमिंग बिल्कुल जीरो नंबर पे कर दो ना तो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, कट्स होने के चांसेस रहते हैं, दर्द बहुत होती है, वो कबीर सिंह में आपने देखा होगा वो तो भाई लगा होता है, तो हमने वो चीज नहीं करनी, यहां पे हमने प्रोटेक्टेंट का यूज करना है। तो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमने ओवरऑल ग्रूमिंग कैसे करेंगे बॉल्स की, हमने लेना एक शीशा थोड़ा पोर्टेबल हो, आपने उसको रखना है जमीन पे, जमीन पे रखने के बाद आपने उसके ऊपर जाना है, खड़े हो जाना है, उससे आपको पूरा व्यू दिख जाएगा, ऊपर से तो आपको दिख ही रहा है प्लस नीचे से भी आपको सही तरीके से दिखेगा। अब स्टार्ट करनी है हमने ट्रिमिंग करना, तो अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ऊपर वाले एरिया से, तो वहां पे आपने नॉर्मल ट्रिमिंग स्टार्ट करनी है जो ऊपर ऊपर का पोर्शन है, फिर जैसे ही हम नीचे जाते रहेंगे टुवर्ड्स आवर पेनिस टुवर्ड्स आवर टेस्टिकल्स, तो वहां पे हमने यूज करना है एक प्रोटेक्टेंट का। अब प्रोटेक्टेंट लगाने के बाद भी हमें आराम आराम से ट्रिमिंग करनी है, अब वो चीज तो बिल्कुल हो जाएगी। अब बारी आती है हमारे बॉल्स की, तो बॉल्स पे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज स्किन उसकी काफी ज्यादा इलास्टिक होती है, आपने टेस्टिकल्स को पकड़ना है बिल्कुल, उसकी स्किन को खींचना है एंड वो ना एक आपको एरिया दे देगी, वहां पे आपने नॉर्मल ट्रिमिंग कर देनी है, दैट्स इट। प्रोटेक्टेंट लगा के करोगे कोई इशू नहीं है, अगर आपके बाल गीले हैं आप शावर के अंदर हो तो भी वो इजीली हो जाएंगे, आपको कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे, तो यू कैन डेफिनेटली यूज दैट। अब हमारे टेस्टिकल्स जो है हमारे प्यूब्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, अब बारी आते हैं हमारे बॉल्स के नीचे वाले हिस्से की, तो आपने टांगे पूरी स्प्रेड करनी है एंड आपको व्यू तो मिल ही रहा है, एंड यूज दैट ट्रिमर वहां पे विद द प्रोटेक्टेंट, एंड अगेन आपके बाल बहुत इजीली हो जाएंगे एंड बट हेयर भी होंगे वो भी आपके इजीली उससे निकल जाएंगे। बट गाइज एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपने इस चीज को वॉश जरूर करना है, मैं तो कहूंगा कि थोड़ा सा सैनिटाइजर लगा के हल्का सा साबुन से साफ कर दो, बिकॉज आप पूरी बॉडी पे उसको यूज कर रहे हो और वहां पे बैक्टीरिया वगैरह फंगल ग्रोथ बहुत होती है, तो इट इज वेरी कॉमन, तो उससे बचने के लिए आपको हमेशा क्लीनलीनेस जरूर मेंटेन करनी हो, और वही ट्रिमर आपने फेस पे अपने हेड पे नहीं इस्तेमाल करना। देयर शुड ऑलवेज बी अ डिफरेंस, जो आपकी बियर्ड है आपका फेस है उसका ट्रिमर शुड बी डिफरेंट, और कोई भी उसको इस्तेमाल न करे, आपका खुद का पर्सनल होना चाहिए, एंड सेकेंडली आपकी बॉडी का आपके बॉल्स का आपके प्यूब्स का उसका अलग होना चाहिए। सो दैट इज द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू कन्वे। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई हमें ट्रिमिंग करनी चाहिए या हमें वैक्सिंग करनी चाहिए या शेव करनी चाहिए। देखो भाई वैक्सिंग मैंने आज तक कभी नहीं कराई तो मेरे को उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब गाइस वैक्सिंग की बात करूं सबसे इफेक्टिव तो वो ही है, बट मेरे को लगता है कि फॉर गाइस इट इज नॉट दैट मच प्रैक्टिकल बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, पहले उस पर हॉट वो लगाओ सॉस लगाओ उसके बाद गुड नहीं करना भाई, मेरे बस की नहीं है। अगर आपके लिए तो आप डेफिनेटली जा सकते हो उस चीज के लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी अब दो ऑप्शन बचते हैं, दैट इज शेविंग
एंड ट्रिमिंग। अब मैं बात करूँ शेविंग की कि आप उसको कर लो तो आपके हार्ड बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बहुत बार किया है और बहुत रेगुलरली किया है, बट दिक्कत ये होती थी कि ना मेरे ना कट्स वगैरह लग जाते तो मेरे को काफ़ी जलन होती थी, तो मेरे को वो चीज़ ठीक इतनी नहीं लगती थी। और लोग कहते हैं कि शेविंग करने के बाद आपके बाल बहुत ही ज़्यादा हार्ड आते हैं, देखो मेरे केस में नहीं है। आपने जैसे मेरे बाल देखे, देखो मेरे केस में मैं उसको रेगुलरली करता आया हूँ और मेरे अभी भी केस में जैसे आपने देखा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बाल हैं, कोई भी हार्डनेस नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता इट इज़ अ कंसर्न। तो शेविंग इज ओके इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट। कट्स वगैरह होते हैं मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ ट्रिमिंग करना और ग्रूमिंग करना जो नॉर्मल मैंने आपको ट्रिमर से दिखाया। ट्रिमर से आपके बाल बहुत ही ईजिली कट होते हैं। और एक छोटा सा हाँ डिफरेंस मैं बताना चाहता हूँ, जो शेविंग करते हो ना तो बिल्कुल जड़ से वो आपके बाल काट देता है और ट्रिमिंग में थोड़ा सा वो पोर्शन बचा देता है, बट आई थिंक इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। वो काफ़ी चल जाता है, मतलब एक महीना भी अगर मैं ना करूँ तो वो अच्छी सी मेरी लुक देता है। एंड गाइज ट्रिमिंग की जो बात करूँ, अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने हैंड शेव करना चाहते हो या अपनी लेग शेव करना चाहते हो, तो भाई बिल्कुल भी मत करना अगर आपके जो हाथ या पैर हैं वो पतले हैं, बिकॉज इट विल लुक फेमिनिन, वो चीज नहीं अच्छी लगेगी। अगर आपके थोड़े बहुत मसल्स है या आपकी नसें अच्छी निकली हुई हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। सो गाइज आई होप आपको बिल्कुल क्लैरिटी से ये चीज समझ में आ गई होगी अबाउट शेविंग, वैक्सिंग एंड ट्रिमिंग। मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया ये चीज। ट्रिमिंग मेरे को लगता है इट इज द सेफेस्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन, यू शुड डेफिनेटली यूज दैट। सो गाइज ये थी हमारी आज की बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल वीडियो और मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड वीडियो। आई होप आपको बिल्कुल पसंद आई हो, और अगर वो जेन्युइनली अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर आपने लाइक करना है और हमारा चैनल द डायनामाइट मेल को भी सब्सक्राइब करना है एंड बी द पार्ट ऑफ आवर डायनामाइट फैमिली। ऑल्सो गाइस इंस्टाग्राम पे मैं बहुत रेगुलरली पोस्ट करता हूं, वहां पे एक्टिवली मैं रॉ स्टोरी शेयर करता हूं डेली अप टू डेट, जो कि यूट्यूब पे मैं नहीं कर पाता हूं। सो मेक श्योर आप मेरे को जरूर फॉलो कर लेना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज द डायनामाइट मेल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो, अपने बड़ों का भी ध्यान रखो, and I'll see you guys in my next video.